राजकीय वाद आणि लोकप्रतिनिधीच्या आपसी भांडणामुळे नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यातील रामटेक शहरात IPDS योजनेअंतर्गत 6 कोटीहून अधिक खर्च करून टाकण्यात आलेल्या अप्परहाय आणि लोड डकच्या भूमिगत केबल टाकण्याचे काम सुरू होऊन 7 वर्ष पूर्ण झाली, मात्र अजूनही काम पूर्ण झालं नाही. हे काम 18 महिन्यात पूर्ण करायचे होते, मात्र काम राम भरोसे चालत असल्याचं दिसून येत आहे. IPDS योजना के अंतर्गत मुझे लगता है 7 करोड़ रुपए की स्कीम थी, 6 या 7 करोड़ रुपए की रामटेक के लिए. उसमें से कुछ काम उन्होंने बरवे लेआउट और कुछ बस स्टैंड एरिया में किए, भी उससे रास्ते उन्होंने खोद के रखे और बहुत सी जगहों पे DP खड़ी करके रखे है. लेकिन अभी तक शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो श्रेय लेने के चक्कर में या भूमि पूजन उद्घाटन ये सारे प्रकरण में बंद है. बीच में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी तो ये लोग बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे सरकार ने यह योजना को बंद कर दिया है, लेकिन अभी फिर शिंदे साहब की सरकार है, उसमें ये सब आमदार भी है, स्थानिक आमदार वो भी सत्ता में शामिल है, लेकिन वो योजना के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोलते. स्थानिक नगर परिषद का इसमें उतना रोल नहीं था क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का काम था, ऊर्जा विभाग का, और उसके लिए यहाँ स्थानिक विधायक ने राज्य की इच्छा शक्ति अगर दिखाई होती, पैसे खींच के वो बताते कि बहुत 1000 करोड़ रुपये लाया हूँ, उसमें से 2-4 करोड़ रुपये इसके लिए भी लाते या कुछ राजकीय इच्छा शक्ति से पीछे लगते उसके, तो अभी तक वो कंप्लीट हो जाती और लोगों को अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक का फायदा मिलता. रामटेक शहरातील 17 वॉर्डमध्ये अंडरग्राउंड केबल आणि ट्रान्सफॉर्मर व्हावे या उद्देशाकरिता 12 जानेवारी 2017 ही योजना मंजूर करण्यात आली. त्यावेळेस नगर परिषद रामटेकला भारतीय जनता पार्टीची सत्ता होती आणि रामटेक विधानसभा क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे आमदार होते. दुसरं, 2017 पासून तर आता 2024 या कालावधीमध्ये दुसरेही आमदार आले शिवसेना शिंदे गटाचे जे आज सध्या आहेत, त्यांनी सुद्धा या योजनेकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केलं. त्या बाबीवर जर आपण विचार केला तर ही अंडरग्राउंड केबलिंग आणि ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल करणे अत्यंत गरजेचे आहे, हे काम तातडीने व्हायला पाहिजे. इथल्या लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.